व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आप देख सकते हो भाई, बाइक बहुत बहुत ख़तरनाक लग रही पीछे से। सुबह के बज रहे 5 और मैं निकल चुका हूँ राइड पे। अभी मैं जा रहा हूँ मीटिंग पॉइंट पे। ये वाली राइड थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस राइड पे आई थिंक हम अराउंड 7 लोग हैं। आई डोंट नो लास्ट टाइम हम कब थे इतने सारे। फाइनली इतने टाइम बाद ग्रुप राइड हो रही है। इस राइड में बाय द वे दो बंदे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो आपने वीडियोस में देखा ही होगा। लास्ट 2 वीडियोस में जो बंदे मिले मुझे, एक थॉमस भाई और एक राहुल भाई, तो वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। मज़ा आने वाला है। एक और चीज़ कि सभी लोग मेरे अलावा दूसरी लोकेशन से आ रहे हैं, तो उनका मीटिंग पॉइंट सेपरेट है। दो लोग जो हैं वो बाकियों को नहीं जानते, वो सिर्फ मुझे जानते हैं। बट VPA उधर मैनेज कर लेगा और मैं उन्हें एक डिफरेंट मीटिंग पॉइंट पे मिलूँगा, जहाँ पे सारे आके मुझे ज्वाइन कर लेंगे और बेसिकली मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँगा। लोकेशन मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, उन्हीं ने सेंड करी थी लोकेशन, तो देखते हैं कि लोकेशन कैसी है। होप लोकेशन भी बढ़िया रहे तो मज़ा आ जाएगा। और बढ़िया सा यहाँ पे माहौल। राम नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। थोड़ा लेट बोल रहा हूँ मैं, बट ठीक है। बाय द वे गाइस, होप करता हूँ आपको लास्ट वीडियो मॉडिफिकेशन वाली अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने अपने अपने फीडबैक्स दे दिए होंगे। अच्छी लगी तो उसके बारे में भी बोला होगा, और कुछ गलत लगा होगा उसके बारे में भी बोला होगा। अभी मैंने वीडियो वैसे अपलोड नहीं करी है, अभी जब मैं राइड पर जा रहा हूँ आज के दिन, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे कॉमेंट्स करे हैं। और शाउट आउट भी मैं दे ही देता हूँ, शाउट आउट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अभी चलता हूँ मैं सीधे लोकेशन पे और वहाँ पे बाकी भाइयों से मिलता हूँ और फिर बात करते हैं आपसे। फ्यूल अप कर लिया मैंने, अभी देखते हैं कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। ये कौन सा ग्रुप है? अच्छा, कोई दूसरा ग्रुप है। वो लोग नहीं है भाई, मुझे लगा वो लोग पहुँच चुके हैं, बट वो नहीं है। पहुँच गए। कैसा मेरे भाई, काफ़ी टाइम बाद यार। क्या अभिषेक, क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई? बबो कहाँ है? बस इनसे मिला दो। निचिकेत भाई, नहीं नहीं ढंग से बोलना। निची नचिकेत सर, नचिकेत नच। अरे वो कहाँ है अपना ओनी? अबे वो आगे निकल गया, उनको बोला था डोमस आंध्रा पे रुकना, वो और हिमांशु भाई। वो लोग ओजीज है ना भाई, वो कहाँ रुकेंगे। सेट कर लो मैप। हाँ बस चलते हैं भाई, मॉडिफिकेशन देखो थोड़ा। ओ भाई कैसी लग रही है राहुल भाई, कैसी लगी? हाँ बस रियर में करवाया यार। हाँ ये नंबर प्लेट यहाँ पे लगवा दी और इंडिकेटर वगैरह पार्ट चेंज कराया। हाँ कहाँ रह गए? अरे कहाँ चले गए अकेले अकेले? हाँ रोड के पार। अच्छा अरे उधर खड़े यार, इधर नहीं आओगे क्या मिलने? वो कहाँ गई अपनी MT? चलो बढ़िया बढ़िया भाई, वो कहाँ गए? क्या हाल है भाई अभिषेक सर? मिलने नहीं आओगे क्या? तो फिर आ नहीं रहे हो यार। भाई इतनी भीड़ तो हमने देखी नहीं अभी तक। सारे सब्सक्राइबर यहीं आ गए। चलें, चलो भाई। तो भाई आज तो ट्रायम्फ भी अपने पे और एडवेंचर 250 भी है भाई, थोड़ा वैरायटी आ रही है ग्रुप में। हाँ 250। हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके तो यहाँ से राइड स्टार्ट होते हुए, और आज हम थोड़ा भगाएंगे नहीं, हम 1 hour 30 minutes में पहुँच जाएंगे, शायद जल्दी पहुँचे। और धूल काफ़ी उड़ते हैं भाई, इस रोड पे धूल बहुत उड़ती है। एक बार सबको बोलता हूँ ओवरटेक करने को। दो दो बाइकें और आने दो, तीसरी एडवेंचर। और यहाँ पे एडवेंचरस होते हुए अपनी हंटर, लास्ट में क्रूजर। हिमांशु भाई शो ऑफ करते हुए, और लास्ट में एक और थंडरबर्ड। क्रेजी भाई क्रेजी। ओ बाय द वे, आपको एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी या नहीं यार, VPA ने यार रेड रूस्टर हटवा दिए,
और वो साउंड वो फील मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने तो भाई नोटिस भी नहीं करा, वरना वो साउंड से ही पता लग जाता था वीपी आ गया है। थोड़ा स्लो हो गए हम, एक बार पीछे जाके देखता हूँ मैं कि क्या सीन है, स्पीड स्लो क्यों हो रही है। थोड़ा स्पीड में चलने को बोलना पड़ेगा क्योंकि सनराइज अगर वहाँ पे देखना है तो स्पीड चाहिए। और भाई क्या प्यारी लगती है भाई, कि ऐसे साथ में चलती हैं दो ग्रुप में, मज़ा आ जाता है भाई। देखते ही देखते काफ़ी उजाला हो गया यार, इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम यूज टू नहीं है इसके। जनरली हम 6 बजे अंधेरा ही देखते थे, बट सीजन के साथ चेंजेस आते हैं। सनराइज़ भी आई थिंक जल्दी हो जाएगा अगर हमें वो वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। जब हम वहाँ पे पहुँच के सनराइज़ देखते थे तो भाई उसके लिए काफ़ी जल्दी उठना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। लेट्स सी। और गूगल मैप की भी थीम चेंज हो चुकी है ब्राइट वाली। इन दोनों भाइयों ने स्पीड सही मेंटेन कर रखी है, बाकी पीछे स्लो कौन हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मे बी ओनी, क्योंकि वो दूसरी बाइक चला रहा है, जनरली MT-15 चलाता है अभी पे। और ट्रायम एडवेंचर और लास्ट में आएंगे ये दोनों कपल राइड, इनकी अलग चल रही है यार इनको अगली बार से साथ नहीं आने देना है भाई बहुत बढ़िया लग रही है यार ऐसे बाइक साथ में चलते हुए थॉमस भाई अलग मूड में सही है भाई। आधा घंटा और बचा है और ओ भाई, आपको Insta360 में दिख रहा होगा लेफ्ट में सनराइज़ बहुत प्यारा हो रहा है, और राइट साइड में काफ़ी प्यारा व्यू आते हुए, बढ़िया एकदम। और लेफ्ट में बहुत प्यारा सनराइज़ हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। लोकेशन में पहुंच के देखते हैं। ओके, सामने देख सकते हो आप भाई, बहुत प्यारी रोड आते हुए यहाँ पे। एक बार सारे आगे आ जाएं तो बढ़िया, बहुत प्यारी रोड भाई, अब मज़ा आ रहा है फाइनली ओहो क्रेजी भाई। यहाँ से अभी 6 मिनट्स और रह गया, और GoPro की बैटरी भी काफ़ी डाउन हो चुकी होगी फॉर श्योर, इंस्टा मेरा डेड हो गया। और लेफ्ट साइड में इंस्टा से तो नहीं दिखा सकता बट ऐसे देख लो आप भाई, क्या व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, रोड बहुत प्यारी भाई, बढ़िया व्यू के साथ और सनराइज के साथ। ओ भाई, हेलमेट का वाइज़र मैंने अभी हटाया और बहुत डिफरेंट फील आ रही है यार, बिना वाइज़र के अच्छा लग रहा है काफ़ी। वाह यार, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, हाय हाय हाय, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भाई ये उत्तराखंड जैसी रोड यहाँ पे, ओ हो भाई ये क्या व्यू है यार, बढ़िया। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से दिखा रहा आगे से कहीं से हमें लेफ्ट लेना है भाई, लेकिन लेफ्ट कहाँ से ले अरे यार कूल लग रहे हैं, ब्राइट भी है ना, थैंक यू। अरे आप भी कुछ तारीफ कर रहे थे, कर दो यार, आप कैमरा ऑन है, इसमें बैकरेस्ट हटने वाली है इसलिए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, ये सब करवाया है कस्टमाइज्ड, ये तो ऐसा होगा ना पहले से, हाँ ये पार्ट ऐसा ही था, उसमें लगाने के लिए दिया था पहले से मतलब, हाँ स्लॉट था खाली। मैं सोच रहा हूँ अभी ये भी हटवा दूं पूरा मड गार्ड इसका, वही दिक्कत उसी वजह से अभी यहाँ पे, वो नहीं रिकॉर्ड कर दे यार फिर, एक मैं ऐसे ऊपर से नीचे जाऊंगा बाइक से, हाँ बाइक से भाई
लेट्स सी मोशन ब्लर कैसा आ रहा है। बढ़िया रोड भाई, बढ़िया रोड एकदम। ओहो भाई लाइट लग रही है भाई काफी यार। और इसका शायद फुटपैक भी थोड़े से पीछे है एग्रेसिव। थोड़ा क्लच टाइट लगेगा आपको। और अपनी बाइक पीछे से कुछ ऐसी लग रही है, अब ये वाला पीओवी भी देख लो आप, इसमें थोड़े वाइब्रेशंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, वाइब्रेशंस हैं, मूव करने में फील हो रहा है कि स्मूथ है बाइक। आई थिंक इसका जो पॉस्चर है वो भी ठीक है और पावर बहुत है भाई और लीनिंग बहुत ईजी है यार। मतलब बाइक को आप हल्का सा पुश कर रहे हो और बाइक पूरा टर्न कर रही है। ब्रेकिंग बहुत प्यारी है इस बाइक में भाई, बहुत स्मूथ है टर्न्स पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये खुद कह रही है कि मुझे टर्न लेना है। आपको ऐसा कोई फोर्सफुली टर्न नहीं लेना पड़ रहा है, टर्न्स पे ये खुद ही लीन हो रही है, बहुत स्मूथ। और पावर तो मतलब बहुत परफेक्ट बाइक लगी मुझे। तो लोकेशन यहाँ पे तो नहीं मिली, जो डिसाइड हुआ वही करते हैं, पीछे चल के कहीं पे फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर वापस सिटी में जाके कुछ खा लेंगे और वहाँ पे जाके देखते हैं, कुछ प्लान बना तो बना वरना ठीक है ये भी।